एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजनोला में स्थित हासापुर बुजुर्ग गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 14 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। लगभग 2500 की आबादी व 1060 वोटरों द्वारा इंद्रमती देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में 120 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत है। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 20 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 90 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी डैश रोड, खडंजा व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 110 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। विकास खंड गजरोला अमरोहा की ग्राम पंचायत हासमपुर बुजुर्ग की प्रधान इंद्रवती के मौजूद नाने में उनको पुत्र प्रधान राजीव कुमार जी। हमारी ग्राम पंचायत में अनेकों समस्याएं हैं। हमारे गांव के रास्ते अधिकतर कच्चे हैं, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पंचायत घर नहीं है, शमशान घाट नहीं है, बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, नालों की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, पानी निकासी ठीक नहीं है और सरकार से कई बार मांग करने के बाद भी कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से कई बार रास्तों के लिए तो छोटा गांव होने की वजह से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मझरे हैं, छोटे हैं, तो इस तरफ कोई ध्यान, कोई रास्ता अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ नहीं बनवाया है और यहाँ लोग बेहाल हैं। पानी की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और सारे नल रिबोर के लिए तैयार हैं, इतना बजट नहीं आता कि प्रधान उन्हें रिबोर कराए। और सरकार की एक नीति है कि 100 हैंडपम्प माने एक विधायक जी को दे दिए जाएँ, उससे कोई समस्या का हल नहीं हो सकता कि विधायक जी के नल तो वहाँ लगते हैं जहाँ उनके पास जाने वाले चापलोस होते हैं, वो सही जगह पर उसका। तो मैं सरकार से एक मांग है कि हैंडपम्प नए लगवाने का पूरा जिम्मा प्रधान और गांव की 5 सदस्य कमेटी बनाकर लगवाए जाएँ कि जहाँ के उनकी बिल्कुल सही ज़रूरत हो, किसी के निजी संस्थान पर न लगवाए जाएँ। जहाँ लोगों को परेशानी है, 4-5 घरों के समूह के बीच में नल लगवाए जाएं, इससे बहुत परेशानी है और लोग पानी इतना दूषित हो चुका है कि बीमारियाँ पसर रही हैं, टीबी, हैजा, अन्य बीमारियाँ, कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ, पीलिया, हेपेटाइटिस सी भी काफ़ी जोर पर है और ना तो नज़दीक में कोई स्वास्थ्य केंद्र है और ना गाँव में कोई टीम ऐसी अभी तक नहीं आती, ना सर्वे करने के लिए आती है। नलों का पानी तो बेहद ख़राब है और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, हमारे जैसे गांव हैं, मजरे हैं, चौड़े रास्ते हैं और निधि बहुत कम है तो यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, बहुत छोटी निधि आती है और हमारे गांव के रास्ते काफ़ी चौड़े हैं तो रास्ता बनाने के लिए बजट बहुत कम है, या तो इसे बढ़वाया जाए या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इन रास्तों का विकास कराया जाए। हमारी ग्राम पंचायत विकास से बहुत दूर की बात है।